मेरा इंतजार हो रहा था, आ चुका हूँ मैं तुम्हारे रातों की नींदें उड़ाने के लिए। तैयार हो मेरे प्यारे दोस्तों आज की अंधेरी रात में मौत को अपनी आंखों से देखने के लिए? इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग खून के आंसू रोने लग जाएंगे और कई लोग डर के मारे मरने लग जाएंगे, तो कई लोग ठीक तरह से रात में सो भी नहीं पाएंगे। आज का हमारा ये वीडियो दावा करता है कि इस वीडियो को एंड तक देखना और मौत को अपनी दावत देना बराबर है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो मैं आकर तुम्हारा गला दबा दूंगा, क्योंकि मैं भी किसी भूत से कम नहीं माना जाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को ये बात बता दूं कि हमारे इस चैनल पर 100K कंप्लीट होने वाले हैं और इसी खुशी में हम करने वाले हैं इस चैनल पर पहली बार Q&A वीडियो। तो Q&A वीडियो बहुत जल्द आने वाला है और आप लोगों को जो भी सवाल मुझसे पूछना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के सॉन्टेड सफर को मिल के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो किसी होटल के किचन का है और इस वीडियो में आप एक वर्कर को काम करते हुए देख सकते हैं। जब ये बंदा अपना काम कर रहा था तभी अचानक से इस बंदे को कुछ ऐसा होने लग जाता है कि जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वर्कर जब यहाँ पर काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पर कुछ फ्राई कर रहा था, तभी अचानक से इस बंदे को कुछ ऐसा हो जाता है कि ये बंदा अपनी गर्दन घुमाता रहता है, उसके बाद अपना सर ऊपर कर लेता है, लेकिन अचानक ही ये बंदा इस जलते हुए तेल के अंदर अपना सर डाल देता है, जिससे इस बंदे की चीखें निकल जाती है, इसका पूरा चेहरा जल जाता है और ये बंदा वहीं पर दम तोड़ देता है। आज का हमारा दूसरा वीडियो किसी सुपर नेचुरल चैनल ने अपलोड किया था। इस वीडियो में ये बंदा किसी ऐसे बंगले में चला जाता है जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि इस बंगले में किसी की मौत हुई थी, यानी कि एक जिंदा लड़की को जला दिया गया था। उसे जलाने के कई साल बाद अचानक से इस बंगले में अजीबोगरीब हरकतें होने लग गई। यहाँ पर जो भी रहने के लिए आता था उसकी मौत हो जाती थी, बल्कि यहाँ पर जो लोग रहते थे अचानक से वो कहीं गायब हो गए, उनका कोई अता पता नहीं चला। लोग यहाँ पर आना तो क्या, यहाँ का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज ये बंदा जब इस भूत बंगले के अंदर आता है तो अचानक से ही इस बंगले का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, यानी इसे शुरुआत से ही पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो जाती है।我操你妈！
ऊसो,我操你妈！生气了，兄弟们！我操！啊！我！操你妈的！今天不知道在哪儿。我操你妈！我操你妈！我操你妈！一个脑袋，兄弟！文柱，我二了，我说顾雷了，顾雷了，家人们顾雷了，走，上那屋看看，王兄弟们。啊！我操你妈！我操你妈！我操！我操你妈！啊！哇哇！哎妈！你来吧！我的妈！我操！तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब ये बंदा इस बंगले के अंदर आता है तो सामने अलमारी पर रखा गुलदस्ता खुद ब खुद हिलने लग जाता है। ये बंदा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इस बंदे को नजर आता है कि अलमारी के अंदर किसी इंसान की अस्थियां रखी गई होती है। शायद ये अस्थियां उसी लड़की की है जिस लड़की को यहाँ पर जिंदा जलाया गया था। तभी इस बंदे को साइड से कोई आवाज आती है। ये बंदा जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो इसकी मिरर में नजर पड़ती है, लेकिन शीशे के अंदर एक ब्लैक फिगर नजर आता है जो कि इस बंदे के साथ ही खड़ा होता है। ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। जब ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है, यानी कि इस भूत को इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता है बल्कि शीशे की आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही ये अस्थियां खुद ब खुद हिलने लग जाती है, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन जब ये बंदा इस अलमारी की तरफ बढ़ता है तो इस अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके बाद ये अलमारी इस बंदे के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन ये बंदा बच जाता है। जो उसके बाद होता है वो तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया है, अब मुझे बताने की कोई जरूरत तो नहीं है। लेकिन अब इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई सच का भूत है या फिर कोई और ही मखलूक, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा तीसरा वीडियो जापान से आया है। इस वीडियो में कुछ दोस्त मिलकर घनी रात में एक सुनसान और वीरान जंगल की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इन लोगों ने अपने साथ बहुत बड़ी रस्सी को लिया होता है। जहां से ये लोग चलना शुरू करते हैं वहां पर ये लोग रस्सी बांध देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। マジかよ。はい。何？おい、引っ張んなよ。いやだ。なかったんだよ。違う違う。これ何か引っ張ってる。ちょっと、おいおいおい。持って、持って、押さえて、押さえて。引っ張ってね、引っ張って。おい。
जब ये लोग आगे चल रहे थे तो इन लोगों की रस्सी कोई पीछे से खींचने लग जाता है। ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग अपनी रस्सी को बचाने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन ये रस्सी इनके हाथ नहीं चढ़ती है। यानी कि कोई इसे खींच रहा था, लेकिन वो और ज्यादा खींचने लग जाता है और इन लोगों की रस्सी बीच रास्ते में ही कट जाती है। ये लोग काफी घबरा जाते हैं, रास्ता भटक चुके हैं। लेकिन आगे चल के जो इन लोगों के साथ होता है वो तो आप खुद ही देख लीजिए। आज का हमारा चौथा वीडियो इंडोनेशिया से आया है। इस वीडियो में बेड़ा आलम किसी हॉन्टेड और खंडर मकान को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। कहा यह जाता है कि इस खंडर मकान में एक ऐसी मखलूक रहती है जिसका पूरा चेहरा फटा होता है, यानी कि चेहरे के अंदर एक गोल होल होता है और वो अक्सर इंसानों को खा जाया करती है। यानी कि ये जो भी मखलूक है अक्सर ये इंसानों का शिकार किया करती है। तो आज बेड़ा आलम इसी चीज का पता लगाने के लिए इस घर को जब एक्सप्लोर कर रहा था तभी इस बंदे का सामना उसी मखलूक के साथ हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या बेड़ा आलम इस मखलूक को यहाँ से भगाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। لا إله إلا الله محمد رسول الله. खैर ये बंदा इस घर में काफी टाइम गुजारने के बाद आखिरकार इस मखलूक को पकड़ ही लेता है। आप इस मखलूक का चेहरा देख सकते हैं, इस मखलूक का चेहरा पूरा फटा होता है। इसके नाखून की बात करें तो वो भी बहुत लंबे होते हैं। इसका पूरा हुलिया ही अजीबोगरीब लगता है। बेड़ा आलम इसको भगाने में यहाँ से कामयाब हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मखलूक के बारे में आपको क्या लगता है कि आखिर ये कौन हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा पांचवा वीडियो भी इंडोनेशिया से आया है। ये वीडियो किसी गांव का है। इस गांव में एक ऐसा स्कूल है जो कि बहुत ज्यादा बदनाम माना जाता है। कहा यह जाता है कि ये स्कूल पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे से स्कूल में रेप होने लग गए और रेपिस्ट का तो पता भी नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिर ये बंदा जब इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था तब इस बंदे को नजर आता है कि यहाँ पर कोई भूत किसी बच्ची का रेप कर रहा था, जो कि कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाता है। खैर वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये कोई भूत हो सकता है या फिर ये भूत के बेस में कोई इंसान है जो कि दरिंदा बन चुका है। तभी saya ada suara, tapi bukan suara anak kecil ya, ini suara perempuan ini. तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे Q&A वीडियो में शामिल होना है तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।